सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि यह स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। आज का पंचांग 3 जून 2020, दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 9:05 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 8:44 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:18 से 1:58 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 3 जून 2020, दिन बुधवार, कर्म और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकते हैं। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें। अपनी रचनात्मक भावना को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। नए अवसर आय के एक और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। अत्यधिक आत्मनिर्भरता और लालसा आज का मूल मंत्र है। आज आप में से कुछ अपने दिल और दिमाग में विरोधाभास महसूस कर सकते हैं। कुछ समय अकेले अपने लिए व्यतीत करें। आज आपको अपने जरूरी काम समाप्त करने की आवश्यकता है। गलती करना बुरा नहीं है, पर उससे सीख न लेना बुरा है। भविष्य में आपकी यात्रा जारी रहेगी, इसलिए अच्छे काम करते रहें। उत्तर दिशा अधिक उपयुक्त है, इसलिए वह यात्रा कर सकती हैं। दूसरे लोग आपके प्रयासों पर ध्यान देंगे, जिससे आप सकारात्मक और प्रभावशाली महसूस करेंगे। आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में अन्य लोग की तुलना में समस्याएं ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दूसरों के मुकाबले खुद को कम आंकने की गलती ना करें। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। अन्य लोग आपकी अपेक्षा बस इसे बेहतर तरीके से पीछा कर सकते हैं। अपने काम पर फोकस करने के लिए आपको अपने आसपास के दबाव को बेहतर तरीके से संभालना होगा। सावधानियां, आप में से कुछ देश के भीतर यात्रा कर सकते हैं और यह भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन आपको इन दिनों अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचना चाहिए। आपको अभी एहसास होगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कौशल को विकसित करने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन शांतिपूर्ण और आरामदायक है। आज आपका पूरा ध्यान अपने साथी पर है। यह रिश्ता दिल से बना है, इसमें गलतफहमी को न आने दें। गलतफहमी का कीड़ा आपकी चाहत को तबाह कर सकता है। वैसे जीवन में से अपनी शौकों जैसे नृत्य, संगीत या फोटोग्राफी के लिए समय निकालें। यह आपके जीवन का एक अच्छा चरण है, जब आपका ध्यान निजी जीवन से हटकर स्वयं पर भी होगा। आज आप खुद के लिए कुछ स्पेशल करेंगे, जैसे अपने शौक को पूरा करना या अपने किसी खास से मुलाकात। भावनात्मक उतार चढ़ाव आज आपके कार्ड्स में है। कोई समस्या है तो प्रीतम से संपर्क करें, क्योंकि प्यार हर जख्म को भर देगा। करियर की बात करें तो संचार के साधनों का प्रयोग करके आप सफलता के एक और कदम नजदीक आ सकते हैं। व्यापार में लाभ के लिए मार्केटिंग, विज्ञापन या प्रचार का सहारा लें। आज घर की टूटी हुई खिड़कियां, नल का लीक करना या निष्क्रिय बिजली के उपकरण आपसे समय व धन की मांग कर सकते हैं। आज आप बेहद संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। आपके दिल और दिमाग में भी मतभेद हो सकता है, ऐसे में जीत आपकी भावनाओं की होगी। कुछ समय अकेले में
समय बिताएं और अपने शौक को पूरा करें। सेहत की बात करें तो आपके साथ कोई दुर्घटना घटने के संकेत है, इसीलिए सावधान रहें। आपको कोई कार्य करते समय या फिर यात्रा करते समय चोट लग सकती है, इसलिए बाद में पछताने से अच्छा होगा आप पहले ही सावधान रहें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।